हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, हरियाणा की हड़प्पा सभ्यता से जुड़े प्रश्न दोस्तों, जो आज तक एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एसएससी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, और लाइक शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको नए नए टॉपिक दे सके। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बनना वाले स्थल किस जिले में है। बात करें दोस्तों बनना वाले स्थल की हड़प्पा सभ्यता का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन दोस्तों बी फतेहाबाद में बनना वाले स्थल जो है वो स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, करण का टीला कहाँ है। ये दोस्तों क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, अब भी बार बार रिपीट हो रहा है। करण का किला, यहाँ करनाल मत कर देना दोस्तों, क्योंकि करण का टीला अलग है, करण की झील अलग है, करण का किला अलग है, टीला किला ये सब अलग है दोस्तों। राइट ऑप्शन बी थानेसर के अंदर करण का किला टीला जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहां पर हड़प्पा की बस्ती मिलने के प्रमाण मिले हैं। बात करें दोस्तों जहां हड़प्पा की बस्ती मिली है प्राचीन काल में, राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों हमारा डी कुणाल के अंदर जो है, फतेहाबाद के अंदर हरियाणा की बस्ती जो है मिली है, फतेहचंद द्वारा बसाई गई बस्ती मिली है, ऐसे भी कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां से मिली है। बात करें दोस्तों सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दोनों थानेसर और अमीर नामक स्थान पर सूर्य स्तंभ की मूर्ति जो है मिली है। तो दोस्तों सूर्य जो होता है अमीर होता है वैसे भी, ठीक है, सूर्य क्या होता है अमीर होता है, इस टिक के साथ कवर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। बात करें दोस्तों विष्णु की मूर्ति की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन डी, रोहतक से विष्णु की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। तो दोस्तों रोहतास जो है वो विष्णु का नाम जो है वो जपता रहता है, कौन, रोहतास विष्णु का नाम जो है जपता रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य देव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। बात करें दोस्तों सूर्य देव की मूर्ति की, राइट ऑप्शन इसका रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, अग्रोहा से सूर्य देव की मूर्ति जो है प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से स्थल से मिली है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में खुदाई का कार्य कहां से शुरू हुआ था। बात करें दोस्तों डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में हुए खुदाई के कार्य की, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन बी, सीसवाल से डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में खुदाई का कार्य शुरू हुआ है, सह से सूरजबान और सह से ही दोस्तों सीसवाल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। बात करें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे बड़ा केंद्र रहा है संस्कृति का, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी हिसार जो था वो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। संस्कृति राखी नाम की एक लड़की है, वो संस्कृति की काफी जो है अपने ध्यान में रखती है, इसे हम ठीक से कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का प्रसिद्ध स्थल भगवानपुर स्थल कहाँ है। बात करें दोस्तों हड़प्पा के एक प्रसिद्ध स्थल की भगवानपुर स्थल की किस जिले में है, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है हड़प्पा का प्रसिद्ध स्थल भगवानपुर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बन्ना वाली का खुदाई कार्य शुरू हुआ था। बात करें दोस्तों बन्ना वाली के खुदाई कार्य की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 1973-74 के अंदर जो है बन्ना वाली का खुदाई कार्य जो है वो शुरू RS-20 द्वारा हुआ था, बन्ना वाली फतेहाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरसिया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, फिजिलपुर सोनीपत से सरसिया पर लेटे विष्णु की मूर्ति जो है मिली है। फिजूल करता था दोस्तों इमान शुभम ने, ट्रिक भी बनाई थी सोनीपत की वीडियो, अगर फनी ट्रिक वाली नहीं देखी है तो वो दोस्तों जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाहन नदी की मूर्तियां कहां से मिली है। बात करें दोस्तों वाहन नदी की मूर्तियों की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा डी, सोनीपत। तो इसको याद करेंगे, जो अपने वाहन होते हैं वो हमें सोने जैसे चमका के रखने पड़ते हैं, ठीक है, वाहन हमारे जो भी बुलेट गाड़ी होते हैं वो हमें क्या करने पड़ते हैं दोस्तों, सोने जैसे चमका के रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भगवानपुर स्थल किस नदी के किनारे है। बात करें दोस्तों भगवानपुर स्थल कुरुक्षेत्र की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी के किनारे जो है वो भगवानपुर स्थल स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली है। बात करें दोस्तों महात्मा बुद्ध की मूर्ति की, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन ए, नौरंगाबाद से जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति के कितने रंग है दोस्तों, 9 रंग है, इस टाइप से हम कवर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो तीन क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पलवल बादशाहीन से यक्षिणियों की मूर्तियां जो है वो प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जेपी जोशी ने खुदाई का कार्य कहां शुरू कराया था। बात करें दोस्तों जेपी जोशी की, जोशी से जोश, और जोश जब हमारे अंदर आ जाता है तो दोस्तों हमारे अंदर भगवान आ जाता है, इस टाइप से कवर करेंगे। और भगवानपुर स्थल दोस्तों कहां है,
सी कुरुक्षेत्र के अंदर जोश जब हमें आ जाता है तो हमारे अंदर भगवान आ जाता है, इस टाइप से कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरस बिष्ट के नेतृत्व में खुदाई का कार्य कहां से शुरू हुआ था। बात करें दोस्तों आरस बिष्ट की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन बी, बनना वाली फतेहाबाद के अंदर जो है आरस बिष्ट ने खुदाई का कार्य जो है वो शुरू करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति के लोग रहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एचएससी एग्जाम में पूछा भी गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन बी, निग्रो प्रजाति के लोग जो है हड़प्पा सभ्यता में प्रजाति में लोग जो है ये रहते थे, उस टाइम के लोग थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, किस स्थल से तांबा के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस स्थल के प्रयोग से साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों इसके अंदर हमारा डी, सीसवाड़ से जो तांबा के प्रयोग जो किया गया था वो साक्ष्य यहां से मिले हैं, तांबा और सीस। तांबा जो है हम सीस में डालते हैं, मुकुट में डालते हैं, सिर में डालते हैं, इस टाइप से हम कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बन्ना वाली गांव किस नदी के किनारे था। बात करें दोस्तों फतेहाबाद के अंदर बन्ना वाली गांव जो था वो किस नदी के किनारे था। राइट ऑप्शन इसका रहेगा दोस्तों हमारा बी, रंगोई नदी के किनारे था, जो सरस्वती की एक छोटी सी सहायक नदी थी दोस्तों, जो आज लुप्त हो चुकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिट्टी का हल कहां से प्राप्त हुआ है। बात करें दोस्तों मिट्टी के हल की, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा डी, बन्नावाड़ी से मिट्टी का हल जो है वो मिला है। मिट्टी का हल बावड़े लोग रखते हैं, बावड़े से बन्नावाड़ी हम कर सकते हैं दोस्तों, बावड़े लोग मिट्टी के जो हल है वो रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गेहूं जो चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं। बात करें दोस्तों गेहूं जो चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, राखी गढ़ी हिसार से जो है वो गेहूं जो चावल के साक्ष्य मिले हैं, या राखी के जो राखी जो त्योहार आता है रक्षाबंधन में, उसमें गेहूं जो चावल प्राचीन काल में दिए जाते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुल्हाड़ी प्राप्त कहां से हुई है। बात करें दोस्तों कुल्हाड़ी की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा सी, कुणाल, कु से कुल्हाड़ी, कु से ही कुणाल, और कुणाल कहां दोस्तों फतेहाबाद के अंदर, इस टिक के साथ इसको कवर भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई है। बात करें दोस्तों चूड़ियों की, और चूड़ियां दोस्तों भगवान के नाम के डाली जाती है, तो इस टाइप से हम कवर कर लेंगे। राइट ऑप्शन डी, भगवानपुर स्थल कुरुक्षेत्र से चूड़ियां जो है प्राप्त हुई है। कैसी लगी दोस्तों वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्लिक करें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को और दबा दें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले।